अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका तौफीक मैम एंड फैमिली ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए डी मार्ट। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कितने डी मार्ट कहाँ थी या लाइन कहाँ हम लोग लगाए हुए थे। बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो रमज़ान का वो सामान सब थोड़ा बहुत सॉस वूस ये सब होता है वो सब लेने आई हूँ। कम से कम एक घंटा हम लोग लाइन में खड़े हुए। अनिखत तो एकदम परेशान हो गई, उसको ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत परेशान हो गई। बोलती अम्मी चलो वापस चलो। बोली जब इतनी देर लाइन में लग गई हूँ तो ले ही के जाती हूँ। अंदर का मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंदर भी उससे ज़्यादा अंदर भीड़ थी, तो बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो जैसे तैसे सामान लिए उसके बाद वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तौफीक मॉम एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इतने दिन से हम लोग का ब्लॉग इसलिए नहीं आया कि तबीयत भी सबकी ख़राब थी, अम्मी की तो बहुत ज़्यादा और काम भी बहुत थे। इसके वजह से आज से मेरी मम्मी रोज़ वीडियो बनाएगी, आपको रोज़ वीडियो मिलेगी। तो आज मैं रमज़ान की शॉपिंग की वीडियो लेके आया हूँ। तो हम लोग के घर पे क्या क्या बनता है रमज़ान में, उसका सामान आज हम लोग डीमार्ट से लाए हैं, उसका हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा। और आप सबको रमज़ान मुबारक। चलिए सामान सब देखते हैं। चीज़ ला दूँ? हाँ चलिए दिखाऊँ। उसका कितने का पम्प मिला ये? तो शुरुआत करते हैं ये चिप्स से। तो मैं तो इतना रोज़ा जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा वैसे भी पेपर चल रहा है, इसलिए के लिए ले आऊँ एक चिप्स और एक ही बिस्किट है। ये अब अच्छी। और ये फॉइल पेपर लिया मैंने काम के लिए। और तो ये चीज़ स्लाइस ये लाई हूँ, 115 का है ये। और ये भी चीज़ ही है, उसका पाउडर होता ना उसी तरह है ये। 110 ये 150 का है। दो पैकेट ये लिए निखत चीज़। और ये मैं ली हूँ स्लाइस चीज़ है कि जैसे कबाब वबाब बनाओ ना तो उसके अंदर डाल के बनाने का। और ये भी ली है 155 का, कुछ ऐसी है ये भी। तो ये है ये चीज़ क्यूब है, इसमें 10 पीस है। तो इसमें 10 पीस है। ये है 137 का है, 10 पीस आता है इसमें। अपना एक एक पीस भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब पिज़्ज़ा बनाते हैं ना उसके लिए ये सब लिए। और ये भी है वो पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए। ये 100 रुपये का है एक डब्बा। और ये है फालूदा, ये भी दो पैकेट ली थी ना। हाँ ये एक के ऊपर एक फ्री था। कितने का था ये? 75 का था। निखत प्राइस बता रही है, मैं आप सबको बता रही हूँ। तो फालूदा है ये है। ये भी एक के ऊपर एक फ्री था। एक कहाँ है? एक ला कितने का था ये? एक दो सौ ये दो पैकेट। ये टमाटर सॉस है ये वाला, हम लोग तो यूज़ करते नहीं है, किसान का यूज़ करते हैं, लेकिन आज पहली बार ये लिए। ये 135 का दो है, दो पैकेट। ये ले ली हूँ। ये कितने का था? ये 125। ये 125 का दो था। 109 में ये मिला है। ले ली हूँ कि मतलब कुछ इसके अब्बा को भी टिफिन उफिन सुबह देती हूँ ना नाश्ता, तो रोटी उटी ऐसे डब्बे में डाल देती हूँ गरम तो पसीज जाता है, उसके लिए भी ली हूँ कि ये रहेगा ना तो मतलब लपेट दूँ तो वो पसीजता नहीं है, रोटी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए खास करके मैं सुबह के लिए ली हूँ। ये है मेयोनीज,
ये कितने का है? मेयोनीज 1 किलो का पैकेट है कि आधा किलो का? आधा किलो का, ये आधा किलो का पैकेट है मेयोनीज का। अभी दाम निकट बताती है प्राइस, फिर आपको बताती हूँ मैं। ये 2 पैकेट बिस्किट ले लिया था तौफीक, ये 2 पैकेट बिस्किट ये लिया था, 2 ये लिया था, ये 50 का 2 था, ये 185 का है मेयोनीज। खत को मैं बैठा ली हूँ कि बताते जा, मैं बताते जा रही हूँ क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि कितने में क्या सामान आता है। डी मार्ट गई थी मैं, पिछले साल भी गई थी रमज़ान में, आप भी गई हूँ क्योंकि ये सब सामान रमज़ानी में ज़्यादातर के लाती हूँ। ये मेयोनीज चीज़ ये सब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये है सोया सॉस, ये 60 का था लेकिन मिला है अपने को 45। हाँ, ये 45 में 1 बोतल है, ये सिर्फ 2 था, एक पे एक फ्री। 39 है एक वो। ये एक मिला। हाँ, तो 39 का है, एक पे एक फ्री है। और ये सब 45, ये सब 45 का। ये ग्रीन चिल्ली सॉस, फिर ये रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस और ये विनेगर, सब एक प्राइस का है। ये तो मैं बोली थी निखत को मैं बना दूंगी चिल्ली फ्लेक्स, लेकिन निखत बोली नहीं अम्मी ले लो, तो ले ली मैं। ये है और ये सेंग ले ली हूँ कि सब उदाने का बड़ा उड़ा है। कितने का है पैकेट? ये 100 रुपए का पैकेट है। मेरे को लग रहा है ये महंगा मिला है क्योंकि मैं मंगाती हूँ ना तो ज़्यादा रहता है। ये आधा किलो का पैकेट है, तो ये था। और पैकेट वेफर का लिया था तौफीक खाने के लिए, फालतू कुछ भी नहीं लाई हूँ। और एक ये माजा का बोतल ले लिए निखत, स्लाइस का बोतल ले लिए एक। तो बस इतना ही सामान था। और वो को नहीं लाओ तो तौफीक घिंच के, तो जहाँ से अपना राशन आता है वहीं से मंगाई हूँ, बनिए के यहाँ से जहाँ से महीने का राशन भर आता है। तो ये सब भी दिखा देती हूँ क्या क्या है तौफीक निकाल रहा है। ये चीज़ सब अंदर डाल दो, लो नहीं तो पिघल जाएगा, फ्रीजर में डाल दो बस ना। और है ये कितना सारा चीज़ वो दो। और क्या है? चॉकलेट मेरे को दे, चॉकलेट। अच्छा रुक जाओ, पहले वो सब निकाल के मेरे को बता दो, फटाफट मैं बना लेती। तो ये है चना, वाइट चना है। और ये मूंग, अक्खी मूंग है, इसका ना भजिया बनाती हूँ मैं। और चना, ये चने की दाल है, कभी कभी सामी कबाब बनाना होता है तो उसके लिए मंगाई हूँ क्योंकि रमज़ान में 30 रोज़ा होता है, तो थोड़ा फेर बदल के एक दिन कुछ एक दिन कुछ, एक जैसा बनाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसके लिए आराम से निकलेगा, नहीं 5 किलो है वो। इधर लाओ मैं घिंचती हूँ, इधर लाओ। हाँ गोनी घींचो तो। ये 5 किलो लाल चना है, तो एक दिन ये बनता है तो एक दिन ये बनता है काबली चना, फिर एक दिन बटाना बनता है, ऐसी करके फिर बदल के बनाते रहती हूँ। इसका भजिया बनाती हूँ, इतना ज़्यादा इसलिए आता है कि मैं कारखाने में कारीगर लोग को भी जाता है अफ्तारी, इसलिए 2 किलो शक्कर मंगाई हूँ मैं। परसों ही राशन भी मंगाई थी, उसके साथ भी शक्कर मंगाई थी, फिर भी 2 किलो मंगा ली हूँ कि कभी घटे उठे तो। और 5 किलो और चने की दाल मंगाई थी, तो 5 किलो जो दाल मंगाई थी चने का, वो बेसन में उसको पिसवा ली हूँ क्योंकि हम लोग ना चने का दाल लेके पिसवा के ही बेसन यूज करते, उसी का भजिया अच्छा भी होता है। अगर पिसा हुआ मंगाने से ना उतना अच्छा भजिया नहीं बनता है, एकदम आटे आटे के जैसा रहता है। तो बस इतना ही सामान था, यही टोटल सामान कम से कम हुआ है, बताती हूँ। दो, हाँ हाँ, और 4,000 ले दे के हो गया, सामान कितना थोड़ा सा लग रहा है। और ये सब मैं रमज़ान ही में लाती हूँ, ऐसे लगता है तो मैं पाउच वाला आम दिन में मंगा लेती हूँ। और रमज़ान में क्या रहता है कि रोज़ा बच्चे लोग रखे रहते हैं, बार बार जाने को भी चिढ़ते हैं कि रोज़ा रख के बार बार भागो दौड़ो। यहाँ तो इतनी गर्मी है कि
कहीं भी जाएंगे नहीं रोज़ा रख के। इसके लिए ये सब मैं ले आई हूँ कि अपना घर में रहेगा। ये देखो गुड्डू शुरुआत भी कर दिया, गुड्डू हटो। आ गुड्डू ना गुस्सा है मेरे से, मैं माँ उसको चिल्ला दी हूँ, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, डांट दी तो मेरे पास नहीं आ रहा है वो, तो इसलिए ये सब आ गई। नहीं इसमें से मैं चीज़ खाती हूँ, ना मेयोनीज खाती हूँ, ये सब चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। अगर खा भी लूँ तो उल्टी हो जाती है, इसके लिए ये सब चीज़ नहीं खाती। बच्चे लोग को लगता है रमज़ान में बोलते हैं यही सब चीज़ अच्छा लगता है, बनाओ यही सब चीज़, तो इसके लिए लेकर आ गई। तो ये सब चलेगा रमज़ान पूरा हो गया ना, अभी रखते हैं ये सबको डब्बे में, सब फारे हुआ है। गुड्डू हटो, हट जाओ, इसी पे डांटती हूँ ना। तो अभी ये सब फ्रिज में रखना है, जो फ्रीजर में रखने का चीज़ है वो फ्रिज में रखूँगी, बाकी ये डब्बे डुब्बी में सब खाली करके डालना है। तो चलिए फिर ये सब सेट करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी सारा कुछ डब्बे में डाल दी हूँ, बेसन इसमें डाल दी हूँ और वटाना इसमें है, इसी में ये मूंग हक्की मूंग डाल दी हूँ और इसमें लाल चना और वाइट चना और ये चने की दाल डाल दी हूँ और थोड़ा बेसन ये निकाल ली हूँ कि रोज़ के यूज में लेने को, क्योंकि बड़ा बड़ा डब्बा खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब पीछे करके रख दूँगी और शक्कर इसमें निकाल दी हूँ, दो डब्बे में आया है शक्कर, एक इसमें आया शक्कर, एक इसमें, दोनों में डाल दी हूँ। शक्कर तो शरबत उरबत में काम आता है, ये छोटा सा डब्बा रोज के यूज के लिए जो चाय बनती है। तो अभी ये सब अंदर डालना है, इसके नीचे मेरा सारा सामान इसी के नीचे रहता है, चावल आटा जो भी होता है सब इसके नीचे मैं डब्बे में करके रखती हूँ। तो जो सॉस वॉस था इसके नीचे फ्रिज में रख दी हूँ इसमें, और बाकी मेयोनीज ये सब थोड़ा ऊपर आया है थोड़ा नीचे आया है ये सब, और इसको खाली करना है, इसको कहीं और सेट करना है, क्योंकि रमज़ान में पानी ठंडा पानी रखना पड़ता है। तो अब भी फ़िलहाल रख दी हूँ, अभी देखती हूँ जगह बनाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ना रमज़ान में सामान भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, फ्रूट व्रूट भी रहता है, तो इसको जगह बना के मैं रखूँगी कहीं और। चीज़ सब जितना था ये सब यहाँ रखी हूँ, ये फ्रेश क्रीम है तो ये सब यहाँ रख दी हूँ, और देखिए वटाना मैं कितना सारा रखी हूँ, ये हर साल मैं रखती हूँ स्टोर करके, जब वटाना सस्ता होता है ना तो उसको स्टोर करके मैं इसमें रखती हूँ। ये डब्बा भी पूरा भरा हुआ था यूज़ करके, अभी इसमें थोड़ा बचा है, और ये सब रमज़ान में यूज़ होगा क्योंकि काफ़ी महंगा हो जाता है बाद में, इसलिए मैं जब सस्ता होता है तो स्टोर करके सारे बटाने को रख देती हूँ। तो अभी तो बाकी सब रख दी हूँ, ये सोबरात में हलवा बनाई थी चने की तो थोड़ा बचा हुआ, क्योंकि वीडियो तो बना नहीं रही थी मैं, तो ये सब भी नहीं दिखाई, तो वीडियो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। और अब भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियो डालूँ मैं। तो यही सब थी, चलिए फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गुड्डू अल्लाह हाफिज़ कर दो, गुड्डू फ्रिज खोलता है ना तो ठंडा हवा लेने के लिए फिर गुड्डू फौरन आ जाता है। बाय बाय कर दो, बाय बाय।